आएंगे कि पलवल रेलवे स्टेशन पर कौन कौन सी गाड़ियाँ चलनी चाहिए और कोरोना का बंद है? ये सबसे मेन गाड़ी है जी, 7:15 वाली गाड़ी नहीं चल रही है और कोरोना के बाद में गाड़ियाँ लेट बहुत चल रही हैं। अच्छा, तो और कौन कौन सी गाड़ियों का ठहराना चाहिए, बड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों का? एक्सप्रेस का तो किसी का है ही नहीं, गीता जयंती को छोड़ कर। कौन कौन सी गाड़ियों का होना चाहिए? सबका ही होना चाहिए, एक्सप्रेस तो बहुत गाड़ियाँ हैं जो पहले थी अभी नहीं है। तो यहाँ प्लेटफॉर्म पर पानी वानी की सुविधा या शेड वगैरह है? पानी वानी तो देखा जाए, गाड़ी तो टाइम से चले कम से कम। ड्यूटी जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, रात को वो मथुरा वाली है, कम से कम 11 बजे लगती है यहाँ पे आके। लिफ्ट लगा के गए हमें एक फ्लोर पे, यहाँ लिफ्ट की जरूरत जो आने वाले 10 साल बाद पड़ती वो अभी नहीं चाहिए। फिलहाल हमें क्या चाहिए, जो हमारे यहाँ रोड टूटे पड़े हैं, रसूलपुर रोड, किठवाड़ी रोड, तुम्हारा सारे रोडों की हालत इतनी ख़राब हुई पड़ी है। हम ऑटो चलाते हैं, हमारा 1 साल में ऑटो बिल्कुल जल के ख़राब हो गया। हमारी तो रिक्वेस्ट है, पहले हमें रोड चाहिए, गंदगी खत्म होनी चाहिए। आप यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर आए हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए, क्या कहेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा लोगों को? मैं यहाँ डेली वॉकिंग करने के लिए सुबह सुबह आता हूँ। यहाँ लोगों को हम देखते हैं कि एक तो यह रेलवे जो स्टेशन, जो ट्रेन है, लोकल जो ट्रेनें हैं वो बहुत कम हैं। पहले जो ट्रेनें चलती थी वो बहुत ज़्यादा चलती थी, आज जो ट्रेनें चलती हैं वो 2-3 ट्रेनें बड़ी मुश्किल से चलती हैं। भाई साहब, इतनी परेशानी हो रखी है, मैं फर्स्ट मथुरा में आने जाने के लिए 2-2 घंटा, 1 घंटा लेट पहुँच गया। नहीं, ये जो ट्रेनें हैं, जो ये जब से लॉकडाउन लगा उसके बाद इन्होंने ट्रेनें बंद हुई लॉकडाउन में, उसके बाद में ट्रेनें इन्होंने कोई चालू नहीं करी, ना कोई टाइमिंग है ना टेबल है। दिन में भी कोई ट्रेनों पर टाइमिंग नहीं है, सुबह भी ड्यूटी करने वाले लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी यहाँ आदरणीय कृष्णपाल जी जो आए थे, उन्होंने ये लिफ्ट का जो उद्घाटन किया था एक फ्लोर के लिए, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। सबसे पहले तो जरूरत है कि ये रोड है जो इतना ख़राब हुआ पड़ा है, लोगों को यहाँ तक आने में बड़ी परेशानी है, लिफ्ट की क्या जरूरत है? पहले तो रोड को सही करें। ऑटो वाले भाई हैं, ये इतने परेशान हैं कि इनके जो ऑटो हैं वो 1-1 साल में नया ऑटो खरीदते हैं, 3-3, 4-4 लाख रुपये का, वो ऑटो इनके ख़राब हो जाते हैं। भाई ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ कोई टाइमिंग है, जो टाइम है, जो ये रेलवे का, रेल का जो टाइम है वो टाइम नहीं है उनका, जो अपना जो कोई टाइम है, कभी 1 घंटे लेट आ रही है, कभी 1.5 घंटे, लोगों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है नौकरी करने के लिए। टाइमिंग होता है और 9:30 बजे उतार रही गाड़ी, क्या मतलब है, डेली हाफ डे लग रहा है डेली का। तो आप लोग क्या करेंगे आने वाले टाइम में, नौकरी छोड़ेंगे? नहीं, ये लोग इतने परेशान हैं, नौकरियाँ इतनी, बेरोजगारी जो बढ़ गई है, तो पहले ही बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है और लोग जो टाइम पर ड्यूटी नहीं पहुँचते हैं, प्राइवेट सेक्टर है, लोग नौकरियों से निकाल देते हैं लोगों को, इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि लोग अपना गुजर बसर करने के लिए बड़े परेशान हैं। मेरा नाम महेश भारद्वाज, आज मैं बंचारी का रहने वाला हूँ। ट्रेन की मजदूरी से मैं पलवल से ड्यूटी कर रहा हूँ, अपना डेली अप डाउन कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, 8:30 का टाइमिंग होता है ड्यूटी पहुँचने का, 9:30 बजे उतार रही है गाड़ी, 9 बजे उतार रही है, ऑफिस में 10-10 बजे पहुँच रहे हैं, डेली हाफ डे लगता है, सैलरी काट ली जाती है, हमें प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम कर रखी है इन्होंने। पास दिखा देता हूँ सबको। हाँ जी, वो धर्म की भांग पिला रखी है। ये लोग रेलवे के यात्री है, डेली पैसेंजर है, उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। यात्री कहाँ है? यात्री संसद में बैठे हैं, यहाँ यात्री नहीं है। एक यात्री है यहाँ जो संसद में रहता है, संसद में जाके सो जाता है बस, और कोई यात्री नहीं है, उन्हें रेलवे के यात्रियों से क्या लेना। अच्छा, क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? ये रेलवे रोड शायद 2008 का या 9 का बना हुआ है रेलवे रोड, और इन्होंने सफाई ना करके इसका इतना बुरा हाल कर दिया, सफाई नहीं हुई पूरे रेलवे रोड की, और सारा कूड़ा नालियों से निकाल के वहीं डाल दिया गया, पाइपलाइन बिछवाई इन्होंने, उसकी जितनी मिट्टी थी, जितनी निकली थी, वो सारी आज भी वहीं पड़ी हुई है, एजेटेज उससे 2 साल 1.5-2 साल हो गए हैं, सफाई का कहीं हो नहीं है। टेंडर भी शायद इसका 1-2 बार लग चुका है, टेंडर का क्या हुआ पता नहीं। असली मायने में इन्हें धर्म की भांग बुला रखी है, धर्म की आजादी की इसलिए बोलते बेचारे ये, क्योंकि सांसद है, विधायक है, ये बोलेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे, इनसे फिर इनको बेचारों को नाराजगी झेलनी पड़ेगी, इसलिए शायद नहीं बोल पाते हैं, डरे हुए हैं अभी। ये भैया शायद रसूलपुर रोड से आते हो आप? अब रसूलपुर रोड से आते हो? ये रसूलपुर रोड से आते हैं ना, पुल नहीं बना अभी, इन्हें उसका भय है थोड़ा, कहीं और नहीं बने वो, हाँ कहीं और रुक जाए। अब भैया की समस्या सुनना, हो सकता है मेरे से नाराज हो गया हो, सुनो। क्या नाम आपका जी? मेरा नाम मोहन चौधरी, ग्राम पंचायत वार्ड का। किसी से नहीं डरते, चाहे कोई मंत्री हो या कोई MLA हो, हमें किसी से डर नहीं है। 6-7 साल हो गए, कभी कठवारी करा रहे, कभी साफ्ट करा रहे, सब रोड टूटे पड़े हैं,
मंत्री अपने लिए मंत्री, हमारे लिए कोई मंत्री नहीं है। चाहे कोई कृष्णपाल गुजरा हो, कोई अमतारा बढ़ाना हो, या कोई दीपक मंगला हो, कोई भी हो, वोट लेने के लिए आ जाते। कभी इधर से जाओ, कभी इधर से जाओ, कभी कुछ कभी कुछ, इधर उधर से जाते किठवारी तारा का, कभी घोड़ी चौंट थाने से होते हुए आते हैं, इधर से अपना सज्जनगर सावटे से आते हैं। तो परेशानी होती है, सबको परेशानी होती है। जैसे किस किस को? जिसको अभी मेरे छोटे भाई की मिसिस थी, बहुत परेशानी थी। आगे कटवारी मोड़ पर जाम लग रहा था, बहुत नहर पे बहुत तगड़ा जाम था, एक घंटा तो वहीं लग गया जाम में ही। फिर आगे कटवारी पुल पर जाम लग गया एक डेढ़ घंटे, इसलिए वोट दे दें हम कृष्णपाल गुर्जर को। गलत बात है जी। क्या क्या लिफ्ट से क्या सुविधा है आप बताओ? कुछ सुविधा है? 12 आदमी से 13 आदमी से नहीं जाते भी, इधर लाखों हजारों आदमी है यहाँ पे। अगर वो कोई वैसी पटा वाली लिफ्ट होती तो जब भी फायदा था, कुछ अपना कुछ पैसेंजर सीधे चले जाते। इसमें कुछ भी फायदा नहीं है। ये कोई हॉस्पिटल या कोई धर्मशाला नहीं है जिसमें सीधे सट जाओ और आओ लेना। कुछ दिन पीछे जब बारिश हुई कि पूरा घाटे घाटे पानी भर जाता है, यहाँ से लेकर बस स्टैंड तक पानी भर जाता है। दूसरा चीज़ है, जो कोई पलवल से कोई ट्रेन नहीं है, सवा सात वाड़े सब बंद कर रखे, एक दो तीन ट्रेन चला रखी है। बस काम पूरा हो जाओ, 2024 में आ जाएंगे वोट मांगने के लिए। बस समस्या हमने झेली है। एक एक घंटा, दो दो घंटा लेट ट्रेन होती है। सुबह सुबह 9 बजे से ड्यूटी पहुँचते 11 बजे। हम भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्लाई है, हम भी कोई प्राइवेट में नहीं करते, प्राइवेट वाले की तंगा कर जाती है। हम भी बेटे रिक्वेस्ट करते जाके, सर सर ट्रेन की वजह से लेट हो रही है जी, एक दिन छोड़ देंगे, दो दिन छोड़ देंगे, हमेशा नहीं छोड़ेंगे। कोई भी अफसर, कोई किसी का अफसर नहीं होता। बघेल साहब, आपसे लोग मिले हैं यहाँ पर, क्या क्या समस्या है लोगों ने बताइए? मैं यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष हूँ ओम प्रकाश बघेल। अभी हम यहाँ लोगों से मिले हैं तो लोगों की बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आई हैं, तो हम इन सारी समस्याओं का निवारण करवाएंगे। हमने पहले भी आदरणीय चौधरी करण सिंह दलाल जी के नेतृत्व में बहुत सारी मांगें मनवाई हैं, और हम इन सारी जितनी भी समस्याएं सभी को हम मंत्री जी के सामने रखेंगे और सभी को मनवाने की कोशिश करेंगे। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। यदि आप हमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपका अपने पलवल शहर का लोकल चैनल दिनों दिन रात प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जाएगा, जैसे कि आप अब तक सहयोग कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में व्यूअर्स आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी समस्या को बढ़ चढ़ कर हम पेश करें, और प्रशासन और सरकार आपकी समस्याओं पर गौर करे और उसका निराकरण भी करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।